लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन नाउ. क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ ऑप्शनल एक्सरसाइज. अ सिस्टर्न इनिशियली मेजरिंग 150 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर एंड 110 सेंटीमीटर हैज़ 129600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इन इट. पोरस ब्रिक्स आर प्लेस्ड इन द वाटर अंटिल द सिस्टर्न इज फुल टू द ब्रिम. ईच ब्रिक अब्जॉर्ब्स 1/17 of its own volume of water. How many bricks can be put in without overflowing the water? Each brick being 22.5 centimeter, 7.5 centimeter and 6.5 centimeter. तो हम लोग इसका जो आइडिया है सॉल्व करने का वो देखेंगे. जो भी कैलकुलेटिव पार्ट है वो मैं आप पे छोड़ दूंगा, आप उसको कैलकुलेशंस करना. बट इसका जो आइडिया है कि इसको सॉल्व कैसे करना है, इसका लॉजिक क्या लगाना है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है. सो नाउ दिस इज़ द क्वेश्चन दैट इज़ गिवन टू अस. वी हैव अ टैंक कि जिसमें पानी भरा हुआ है. पानी का जो वॉल्यूम है वो है 129600 सेंटीमीटर क्यूब. इस टैंक का जो डायमेंशंस है वो है 120 by 150 by 110 सेंटीमीटर लेंथ ब्रेथ हाइट. और फिर यहाँ पे एक ब्रिक है जो कि पोरस है. अब इसका मीनिंग क्या है पोरस ब्रिक? इसका मीनिंग ये है कि ये इसमें पानी तो अब्जॉर्ब करेगी बट इसकी खुद की जो साइज़ है वो इंक्रीज नहीं होगी. उसकी साइज़ इतनी ही बनी रहेगी बट इसमें बहुत सारा जो पानी है वो भर जाएगा. मतलब जैसे ही आप इस ब्रिक को इसके अंदर ड्रॉप करोगे तो पानी का वॉल्यूम कम होते जाएगा बट ये ब्रिक का वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं, ब्रिक का वॉल्यूम उतना ही रहेगा. दैट इज़ वॉट यू मीन बाय पोरस. इस ब्रिक के जो डायमेंशन है वो है 22.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर एंड 6.5 सेंटीमीटर. और इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये ब्रिक अपने वॉल्यूम का 1/17 पानी खींच लेगी अंदर, ठीक है. ये दिया हुआ है हमको. अब इसमें ब्रिक्स प्लेस किए गए हैं जब तक पानी पूरा टॉप तक नहीं आ जाता, पूरे ब्रिम तक भर नहीं जाता, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है. तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे. लेट्स से देर आर एक्स ब्रिक्स. कि एक्स ब्रिक्स को अंदर प्लेस करने के बाद जो पूरा का पूरा टैंक है वो फिल हो गया. तो इसके अंदर क्या दिखेगा आपको? एक्स ब्रिक्स दिखेंगे. और एक ब्रिक का वॉल्यूम कितना है? एक ब्रिक का वॉल्यूम है 22.5, 7.5, 6.5. एक ब्रिक का वॉल्यूम. अब ये ब्रिक, ये जो पानी का वॉल्यूम है 129600, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, पानी का वॉल्यूम कम हो जाएगा 1/17 इट्स वॉल्यूम 22.5, 7.5 इंटू 6.5. मतलब आप जैसे ही एक ब्रिक इस पानी के अंदर प्लेस कर दोगे तो इस ब्रिक का वॉल्यूम तो आ ही गया इसमें, ठीक है. बट पानी का जो वॉल्यूम था उसमें से 1/17 ब्रिक का वॉल्यूम कम हो जाएगा क्योंकि ये ब्रिक जो है अब्जॉर्ब कर देगी इतना पानी, तो पानी का लेवल कम हो जाएगा और ये ब्रिक जितना वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है. ओके, बट बिकॉज एक्स ब्रिक्स है, एक ब्रिक के साथ ऐसा फिनोमिना हो रहा है तो एक्स ब्रिक्स के साथ क्या होगा? एक्स ब्रिक्स का वॉल्यूम ऐड हो जाएगा, इसमें एक्स ब्रिक्स दिख जाएंगे आपको अलग अलग जगह पे. और पानी में से 1/17 एक ब्रिक का वॉल्यूम इंटू एक्स, टोटल ब्रिक्स जो अब्जॉर्ब कर देंगे पानी वो इतना वॉल्यूम होगा. तो पानी में से इतना पानी का वॉल्यूम कम हो जाएगा, इतने ब्रिक्स का वॉल्यूम ऐड हो जाएगा एंड टोटल मिलके पूरा का पूरा टैंक भर जाएगा. ये जो टोटल वॉल्यूम है दिस विल इक्वल टू, क्योंकि हमने इतने ब्रिक्स इसमें प्लेस किए हैं कि पूरा का पूरा जो लेवल है, पूरा का पूरा जो टैंक है वो भर जाए. अभी पूरे टैंक का वॉल्यूम कितना है? 150 × 120 × 110. इसको सॉल्व करके हमको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी. सपोज़ करेंगे कि यहाँ पे ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म, ये यहाँ पे भी दिख रहा है, ये यहाँ पे भी दिख रहा है, इसके साथ एक्स मल्टीप्लाइड है, इसके साथ एक्स मल्टीप्लाइड है. तो इसको हम लोग लेते हैं कैपिटल ए. लेट्स से ये वाला टर्म है कैपिटल ए, ताकि हमारे कैलकुलेशंस ईजी हो जाएँ. तो यहाँ पर है ए माइनस 1/17 ए, ये पूरा का पूरा टर्म ए लिया हुआ है हमने, इज इक्वल टू ये टर्म 1/5 × 1/2 ×
11 इंटू 10 रेस टू 3, इस टर्म को हम लोग ऐसा लिखेंगे एंड इस टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो माइनस 129600 विच इज़ इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 16a/17 ये टर्म आएगा, एंड अगर आप ये कैलकुलेशन लगाओ तो इसका आंसर आता है 1850.4 इंटू 10 रेस टू 3। 10 रेस टू 3 यहाँ से 10 रेस टू 3 कॉमन निकालो, इनको मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे 129.6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये टर्म आता है, यहाँ से ए की वैल्यू हमको मिलेगी विच इज़ 1850.4 इंटू 10 रेस टू 3 इंटू 17/16। अब हम लोग यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर देंगे, ए मतलब ये पूरा का पूरा टर्म, तो एक्स इंटू 22.5 इंटू 7.5 इंटू 6.5 इज इक्वल टू 1850.4 इंटू 10 रेस टू 3 इंटू 17/16। और यहाँ से एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हो, ये तीनों टर्म्स नीचे शिफ्ट हो जाएंगे एंड इफ़ यू कैलकुलेट यू विल गेट नंबर ऑफ ब्रिक्स एस 1792.4, तो इसको अगर आप राउंड ऑफ करते हो इट इज़ 1792 ब्रिक्स।